जय सियाराम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन हमें यमदीप दान करना चाहिए, दिवाली से एक दिन पहले। तो हमने इस विषय में बहुत पहले ही वीडियो डाल रखे हैं कि किस दिन किस प्रकार का दीप दान करना चाहिए, धन त्रयोदशी के दिन कौन सा दीप दान करना चाहिए और नरक चतुर्दशी के दिन कौन सा दीप दान करना चाहिए। लोग जो हैं दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि चतुर्मुखी दीप कब दान करना है और एक मुखी दीप कब दान करना चाहिए। इस विषय में हमने शास्त्र प्रमाण के अनुसार जो है वीडियो डाल रखा है, परंतु आज का यह जो वीडियो है यह हमको बहुत ही शीघ्रतावश बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें यमदीप दान करने के बाद उस दीपक का क्या करना है, दीपक का हमें अपने घर में प्रयोग करना है अन्यथा उसका कुछ और करना है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित हम इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भी हम कोई आपत्ति अथवा विपत्ति के विनाश के लिए कार्य करते हैं, उपाय करते हैं, तो उसे जो है परिहार कार्य कहा जाता है। दोष शमन के लिए कर रहे हैं इसलिए उसे परिहार कार्य कहा जाता है। तो जब भी जो भी वस्तु परिहार कार्य में प्रयोग की जाती है, चाहे वह दीपक हो, चाहे वह प्रयोग किया गया वस्त्र हो अथवा धान्य हो, पुष्प हो, किसी भी प्रकार का कोई भी पूजन से संबंधित सामग्री हो, उसका हमें पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हमने यमदीप दान किया तो अब हम दीपक का क्या करें, तो उस दीपक का हमें विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन कहाँ करना चाहिए, तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे, देव वृक्ष के नीचे। ध्यान रखें, देव वृक्ष के नीचे, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नारियल का है, नीम का है, तो इस तरह से जो देव वृक्ष हैं उन वृक्षों के नीचे उस दीपक को ले जा कर के रख देना चाहिए और अपने घर में आकर के हाथ पैर धो लेना चाहिए। कई लोगों का कमेंट आ रहा है क्या दीपक को पुनः प्रयोग कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह जो है आपके दोष परिहार के लिए है, तो इसलिए जो है आप इसका पुनः प्रयोग ना करें, दोबारा प्रयोग ना करें। यम को जो दीप दान दिया गया है उसमें बचा हुआ अगर तेल भी है तो उस तेल का भी आपको प्रयोग नहीं करना है, उस तेल को भी आपको विसर्जित कर देना है। किसी निर्जन स्थान पर विसर्जित कीजिए अथवा किसी देव वृक्ष के नीचे जो है उसको विसर्जित कर दीजिए। तो इस तरह से आपको नरक चतुर्दशी के दूसरे दिन, दिवाली के दिन जो है सुबह सुबह ही यह कार्य कर लेना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में इसीलिए बताया गया है कि दक्षिण दिशा में आपको वह दीप रखना है और रख करके आपको भूल जाना है, परंतु बड़े बड़े शहरों में जो है खिड़की इत्यादि पर अथवा दरवाजे के बाहर रखना पड़ता है स्थान का अभाव होने के कारण। इसलिए जो है आप उस दीपक को किसी देव वृक्ष के नीचे रख दें और बचा हुआ जो तेल है उसका भी उसी देव वृक्ष के नीचे विसर्जन कर दें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।